ग्रीटिंग्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं पोटैटो फ्राइज। अक्सर लोगों की जो फ्राइज है वो बिल्कुल बैठ जाती हैं, बिल्कुल क्रिस्प नहीं आती, क्रिस्पी नहीं होती। तो मैं आपको बताऊंगी टिप्स के साथ कि आपने किस तरह से क्रिस्पी फ्राइज बनानी है। तो उसके लिए जो हमें इंग्रीडियंट्स चाहिए वो है हमारे पास पोटैटोज हैं, उसको मैंने काट लिया था लाइक फ्राइज। और ये हमारे पास है बेसन, ये हमारे पास है मैदा, और 1 टेबल स्पून हमारे पास सॉल्ट है, और 1 टेबल स्पून ही हमारे पास चिली फ्लेक्स है। अच्छा जी, करना आपने क्या है, जितनी आपने फ्राइज को फ्राई करना है पहले उतनी आपने फ्राइज ले लेनी है एक बाउल में लाइक दिस। और मैदा आपने ऐड करना है उसके अंदर, आपने कोई पानी वगैरह नहीं ऐड करना, जस्ट सिंपली आपने उसके अंदर। और ये 1/2 टेबल स्पून मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और 1/2 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। तो आपने इसको हाथों की मदद से मिक्स करना है। ये देखिए जी, इस तरह की हो जाएंगी जब, तो हमने इसको फ्राई कर लेना है, चलती है। अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर हमारी जो फ्राइज है ये ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, हमारी जो फ्राइज हैं ये पक रही हैं। जी, फ्राइज जो थे वो हमारी ब्राउन होने लगी है, देखें तो ये काफ़ी क्रिस्पी है। थोड़ी सी और हो जाए तो फिर हम इसको निकाल लेते हैं। अच्छा जी, फ्राइज जो थी वो हमारी बिल्कुल ये देखें लाइट ब्राउन हो गई है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। और हम अपने बाकी जो है वो फ्राइज जो हमारी लगी थी वो भी इस तरीके से डालेंगे, जस्ट सिंपल। देखिए जी, हाउ क्रिस्पी इज। अगर आप इस तरीके से फ्राइज बनाते हो और आपकी मर जाती है और रह गई है फ्राइज, उसको भी मैं एज इट इज ऐड कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए हमारी जो फ्राइज है ये भी रेडी हो गई है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, अच्छा जी, ये देखें हमारी जो फ्राइज है ये बिल्कुल रेडी हो गई है, और ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है, आप इसको देख सकते हैं। और ये देखें जी, इसके क्रंच की अगर आपको आवाज़ आ सकती तो मैं आपको दिखाती। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, जस्ट सिंपली हमने इसको किया था। कई लोगों की जो फ्राइज़ होती हैं वो बैठ जाती हैं, उसमें क्रिस्पी नहीं होती इतनी ज़्यादा, तो आप इस तरीके से बनाएं तो बहुत अच्छी बनेगी। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।